पीछे बटे जय ताला बचाए और अंदर पूरा कितनी खतरनाक खाई है गंगा जी की। हम बहुत करीब ये तो जंगली जानवर बहुत अंदर तक जा रही है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। हेलो दोस्तों, आज हमारा जो नया ब्लॉग शुरू होगा, आज हम यहाँ से ऋषिकेश से हम जाएंगे शिवपुरी होते हुए आपका सिंगटाली, और सिंगटाली में उतर करके हम माँ गंगा नदी का जो पुल बना है वहाँ से पार करके आपका झेड़ विजयपुर जिसे हम बलोगी भी कहते हैं वहाँ जाएंगे, और वहाँ जा करके देखेंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, उसका ऐतिहासिक महत्व समझेंगे और किस प्रकार से वहाँ पलायन है और किस तरीके से लोग वहाँ से ऋषिकेश या अन्य शहरों की ओर आए हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और लोगों की राय जानेंगे कि क्या वहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं इस टाइम। और आज आपको हम वहाँ के नए दृश्य दिखाएंगे और आप भी आनंद लेंगे साथ में, और साथ में हमारे जुयाल जी चलेंगे और साथ में डोबरियाल जी जाएंगे साथ में, और फिर वहाँ के जो नए दृश्य हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो चलो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत कर ली है मामा जी ने, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से जेड़ गाँव के लिए। तो चलिए जी, अपनी यात्रा भी शुरू हो चुकी है और ये जो पूरी भसड़ है ना इसको पार करते हैं और मिलते हैं तब आगे। और ये मामा जी अपनी विक्रांत में आते हुए, फाइनली बाजार की जो भसड़ है वो ख़त्म हो गई, अब खुली खुली रोड आ गई है, तो अब भगाते हैं। गौरी कुंड यानी कि केदारनाथ 300 किलोमीटर 300 बोल रहा मैं, क्या हो गया यहाँ पे शायद एक ख़राब हो रखा है। शिवपुरी में आपका स्वागत है। अब मैं इस साइड ना बहुत कम आ रखा हूँ तो तब इतना मुझे पता है भी नहीं, अब धीरे धीरे आएंगे, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा ना स्कूटी चलाने का तो तब आएंगे धीरे धीरे। इस वाले पहाड़ को देखो कितना नुकीला है। चलिए जी दोस्तों, अब पैदल यात्रा शुरू करते हैं और इस जगह का नाम है सिंगटाली, तो सिंगटाली से पैदल जाएंगे और यहाँ पे झूला पुल भी है नीचे। तो दोस्तों हम भी पहुँच चुके हैं सिंगटाली के झूले पुल में, और नाम से ही झूला पुल है तो थोड़ा हिल रहा है। तो मामा जी कल लगन बहुत ही सुंदर पुल है और अभी ये रेनोवेट हुआ है इसी टाइम में, अभी हफ्ता 10 दिन पहले, और काफ़ी अच्छी जो इसकी चमक है वो पुरानी जो चमक इसकी वापस आ गई है, नहीं तो ये थोड़ा जर्जर हो गया था बीच में। अच्छा। और शायद ये आपका जिला पंचायत के माध्यम से हुआ होगा या टूरिज्म डिपार्टमेंट से हुआ होगा, इसमें काम हुआ है तो, पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है ना, चमकड़ो ऐसे ही सुंदरता बनाए रखे तो अच्छा ही लगता है। एक तरफ में चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो मौसम भी बढ़िया हो रखा है, कल रात भर बारिश चल रही थी, आज मौसम बढ़िया सुहावना हो रखा है। चलो अब नितिन भैया से पूछते हैं। रुको कल लगन बढ़िया, बट डर भी लग रहा है भाई, हिल भी रहा है। हाँ हिल रहा है ना अब, मगर व्यू बढ़िया है, पर पेंट अभी नया कर रखा है। ये देखो चमक देखो ना, पुल की चमक देखो, एकदम पैरालवली वाली है भाई साहब। यहाँ देखो कितनी खतरनाक खाई है, यहाँ नीचे दिखाता हूँ हो भाई। तो दोस्तों क्लियरिटी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल रात को बैटरी चार्ज लगाना भूल गया था तो ख़त्म हो गई गोप्रो की बैटरी, तो एक बच रखी है वो गांव में ही यूज करेंगे। बाकी यहाँ नीचे एक बीच है बड़ा सा, मस्त लग रहा है, और वहाँ पे गायें भी हैं वो भाई, यहाँ पे वो भी है गुफा है मामा जी, फुटा फूण पैरों को डोर लगनी भैया। हो भाई ये तो बहुत अंदर तक जा रही है, जाए अंदर। हाँ भाई पानी टपक रहा है, क्या हो रहा है अंदर ना, पानी टपक रहा है, आवाज आ रही है, पानी टपक रहा। कौन सी गुफा है ये, पहले आदिमानव यही रहते थे तो एकम पहले वो बनना चाहिए डैम बनना चाहिए ना पिछले ना। हाँ तो एकम वो बनना चाहते, ये पर सुरंग बनना चाहिए, ये जो जाते तो गुफा समझनी है सुरंग छा, मतलब टनल बननी चाहिए ताकि ई बटे पैण बहर, अगर पैण रुक रुक लोग डैम पर तो ई बटे पैण बहर से। अच्छा इला यू प्रक्रिया चलने छे, पर ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कुछ फेल हो गई छे।
अभी आधे घंटे खड़ी चढ़ाई है। तो आज कई दिनों बाद पहाड़ी इंसान ऐसे पहाड़ी रास्तों में चल रहा है। अब देखिए एक चीज़ बताओ, यहाँ डाल सी अगल बगल जगह भी बाहर, ये क्या चे? ये तो वो लगनी क्या गोयल? हाँ रत्ती चिया जहाँ गोल्ड था तुल छाप है उन्हें हों रेट। अच्छा, यूँ बाहर से मुन हर के बीजा लगभग? हाँ लगभग तो उमर रत्ती से न पहचाने 10 रत्ती 20 रत्ती 30 रत्ती गोल्ड थे। तीन कौन बोलते हैं ढांगड़ पहले होन चाहिए जब सड़क नहीं छी जब मथी बल जो छे छे चपड़ तो घर जाए जब नहीं छे तो लोग का कान छाए ये तो दुगड्डा जान छाए रासनी कौन ढाकर बोल दे ठीक ते दुगड्डा जान छाए और जब बजे नाथ रोड बन गया तो ये कौन बोलता सिंगटा तो एक आन छे कौन तो ये पुरान दुकान छे। अच्छा टाइम 70-80 दशक में ठीक 60-70-80 दशक में ये पुरान ढांगड़ बोल दे दुकान है कौन अतः लोग राशन दुकान जो चो ढांगड़ ढांगड़ छे तो एक आन छा लोग राशन है सराई हट गए जितना छे एक आन छा तो ये को भी पैदल रास्ता छे जगम तो वै छा ना ये को भी फिर मथी झड़ छ ये को ना झड़ दुई झड़ छन मतलब तीन झड़ टोटल एक जगह हम जाना छायो बलग बल झड़ गया एक एकम पल झड़ बुदाई को एच फिर वैसे मथी जो मथी झड़ गया बड़ो झड़ बुदाई तीन झड़ हमन जान की नावल झड़ हमन बलग बल झड़। अच्छा बलग तो ये खूब छाई रास्ता मत थी तब यहाँ से खुले खुल था जखन खाओ गहन खाओ जखन खाओ ने खुल नहीं बैठे टटे रे खरे कोई नहीं सुन सकता। अच्छा जखनी खा। हाँ हाँ बढ़िया यार बता क्या है? अच्छा यहाँ से आ रही है नदी और ये घूमते हुए इस साइड जा रही है मतलब इस पहाड़ के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। बोला क्या गाँव से है? अच्छा सिंगटाली तो ये गई इतना दूर घूमना कहीं ये कटना कुर्ता नहीं आने खुद पकड़ी कर रहा ये भी तुम्हारी कुत्ता जे अरे ये ककचड़ नवाल ये देखो ताई जी यहाँ पे जा रही है घास काटने के लिए। अब कहाँ से गई होंगी और वहाँ से घास लेके भी ऊपर आना है। अब यूं ही नहीं बोलते हैं पहाड़ की नारी और सब पे भारी। और नीचे गंगा नदी है और गंगा नदी के इस पार पौड़ी है और उस पार टीरी है तो हम अभी पौड़ी में ही हैं। दिखण नहीं बैठे वहाँ दिखण नहीं बैठे ना मीते टुचाल को और ना तुम्हें कद का चालू चाह तुम थोड़ा डर लग जाए क्यों वाले क्लास में ऊपर आ दिन अब वही गाँव लोग कुर्ता पजामा में जाता ना तो जरा मैं कॉन्फिडेंस में ले गया कन्नी चिताना वाल की हमारी पुणा गिर गई गहरी गहरी सांस ले आओ क्यों गहरी गहरी सांस ले थोड़ा दर्द तो छे दे क्या है बीपी लो हो गया ना ना तुम डरना क्या उड़ जा अरे कुछ दिख डरो ना तुम अरे मेरी पैथर तुम डरना क्या उड़ जा ये नाड़ी पैथर ये नाड़ी पैथर चुनकर मेरी बोलो यार गुंड तो इस वाली रोड में लोग कमर कुत्ते ज्यादा मिल रहे हैं। एक कुत्ता ये पीछे इसने तो डराई दिया। अरे कुत्ता सुधम डरन नहीं चाहिए चुपचाप ऐसे इनमें नॉर्मल चलन चाहिए कुछ नहीं कर दो त्यारी पे डर जो थोड़ा सा डर लगता है। तो ये है यहाँ का मंदिर तो चलो यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं गांव की ओर और हमारा स्वागत करता हुआ व्हाइट कलर का कुत्ता हो गया हमारा स्वागत करता हुआ रोनी रोनी बस हो गया हो गया बस बस
थोड़ा सा डर लगता है। दोस्तों हम जो झड़गांव में पहुंचे हैं, तो झड़गांव में ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है गांव। एक तो आपका ऊपर झड़गांव है, उलीझड़ पलीझड़ बोल सकते हैं हम उसे लोकल भाषा में, और आपका यहाँ कफल गांव है और ये बलोगी है। और बलोगी से अगर हम धीरे धीरे आगे को अगर आपको दिखाएंगे तो हमें आपको जो महादेव चट्टी बोलते हैं उसे, महादेव यानी कि वहाँ पे शिव जी का जो शिवालय है, तो वो शिवालय वो 250 साल पुराना है। तो वहाँ पे पुरानी पद्धति से ही पूजा इत्यादि होती है, और वहाँ जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी पुराना ही है, अभी कोई उसमें नया ऐड कुछ नहीं हुआ है। तो जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ आपको शिवालय के बारे में दिखाएंगे बताएंगे, और वहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं, महात्मा जी के उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे बातचीत होगी और मंदिर के बारे में बताएंगे और उसका जो इतिहास है उसको भी वही बताएंगे कि कैसे कैसे वो कब से हैं और कितना टाइम हो गया मंदिर को वहाँ पे। और वहाँ पे आपका जो झूला पुल है और हम वहाँ जाएंगे, और दुकान भी है तो वहाँ से घूमते हुए हम फिर आगे आपको दिखाते हुए हैं ले चलेंगे। बाबा जी यहाँ पूजा करने के लिए आ रखे हैं, 3 दिन का देवी का पाठ है, तो हमने सोचा कि हम भी घूम लेते हैं, तो अब घूम के आते हैं, है ना। और यहाँ पे 3 मकान हैं। ठीक जी मामा जी, हम तब एक आंसर अब यार खेड़ जो है ना वो दिखता नहीं है कहीं भी, वो सिर्फ गांव में ही होता है, ये देखो। और हाँ, ये जो गांव है ये द्वारिकाल ब्लॉक में पड़ता है, मतलब द्वारिकाल जो ब्लॉक है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक फैल रखा है। ये यहाँ पे छन्नी भी है, ये देखो। और ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय, और पूरा खंडर पड़ गया, और जो गेंद खाले ना वो ऊपर है। तो दोस्तों कभी इस घर में चहल पहल रहती होगी, अब देखो पूरा घर जो है वो खंडर पड़ गया है, और बचा है तो सिर्फ यहाँ पे ताला बचा है, और अंदर पूरा जो घर है वो खंडर पड़ गया है। अंदर चलते हैं, वो अंदर जाने में भी डर लग रहा है। और ये उस ज़माने की कटोरी रखी होगी, तो अब ये ऐसी यहाँ पे रखी है, और ये उस टाइम की अलमीरा। अंदर थोड़ा सा डरावना है, निसड़ा बे। निसड़ भी थी? ओहो, क्या मैं खलक चार पाए। 13 कमरे हैं इस वाले मकान में। ये क्या लिखा है यहाँ पे? उस टाइम का कुछ तो लिखा हुआ है। मकान नंबर है। और ये देखो यहाँ पे नई नई खुदाई कर रखी है, ऐसा खोदता है सुअर। अरे देखो यहाँ से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है पीछे का गंगा जी का। तभी प्लान रखा था। वाह, राफ्टिंग भी चल रही है यहाँ पे। भाई कितना खतरनाक रगड़। ये मुर्गा, जंगली मुर्गा भागा भी। हाँ जंगली मुर्गा। बरसात में यहाँ पे आपदा आई होगी ना, ये देखो पूरा रगड़ बन रखा है। और कल की जो वीडियो है ना, क्यूट गर्ल रिएक्शन वाली, वो वाली वीडियो अपलोड हुई नहीं। 3 KB की स्पीड आ रही है, इस साइड नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं कब तक होती है अपलोड, रिस्केस जाके अपलोड होगी। गंगा जी के हम बहुत करीब आते हुए यहाँ सीधे नीचे गंगा जी के दर्शन। क्या है यहाँ पे? ये तो जंगली जानवर था, क्योंकि भगना ही है ना। ना ये तो जंगली जानवर था, काकड़ था या क्या था? काकड़ था, बहुत तो तेज भाग जा रहा। हाँ हाँ बाबा। अब तो यार डर भी लग रहा है। अरे कुछ भी वे सक दो भाई, जल्द जल्दी निकलो, रुकना का चाह तो हम भागो भाई। बीच हम यार चला दूच का क्यों, चार निकल गए तो क्या होना। बी देख एक आदमी तोड़ दा, एक आदमी देखे कहाँ करते कहाँ पैर पीना कहाँ है वाले बद्दी में टाइम से। हाँ तो बीच हम ही पर ये पीछे बटे जय वाह यार। ये देखो यहाँ पे भी सुअर ने खोद रखा है पानी का गदेरा। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बन गई होगी। इसके आगे अब अगले ब्लॉग में आएगा, और हम जा रहे हैं महादेव चट्टी
जगह का नाम है, और वहाँ पे महादेव मंदिर भी है और काफ़ी पुराना मंदिर है और मान्यता भी है मंदिर की, तो वो तो अगले ब्लॉग में देखना। बाकी यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये वाला जो रास्ता है थोड़ा सुनसान वाला है, तो डर भी लग रहा है, और जो सुअर खोदता है ना उसके निशान भी है, तो तब ज़्यादा डर लग रहा है कहीं सुअर ना दिख जाए। और व्यू तो यार गजब के हैं गंगा जी के। तो ये है महादेव चट्टी। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं, जैसा भी था बना दिया।